पाटेश्वर शिव मंदिर हजारों अद्भुत और रहस्यमय शिवलिंग का समूह। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पाटेश्वर शिव मंदिर और वहाँ के शिवलिंग के समूह को। पाटेश्वर शिव मंदिर सातारा जिले के देगांव के नज़दीक पहाड़ी पर स्थित है। देगांव से आप पहाड़ी पर अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। गाड़ी पार्क करके हमें 30-35 मिनट चलते हुए जाना है। मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में हमें भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि जी का एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। साथ ही पश्चिम घाट के कुछ सुंदर सुंदर दृश्यों का नजारा भी आप देख सकते हैं। मंदिर के परिसर में हमें सबसे पहले विश्वेश्वर पुष्करणी दिखाई देती है और वहीं से मंदिर तक पहुंचने का रास्ता जाता है। मंदिर के रास्ते में एक तरफ मंदिर के रक्षक और दूसरी तरफ शिवलिंग है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के राइट साइड में श्री हनुमान जी का मंदिर है और लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा शिवलिंग बनाया हुआ है। प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद हमें दो दीप स्तंभ, एक नंदी मंडप, कुछ छोटे मंदिर और मुख्य मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के चारों तरफ तटबंदी बनाई गई है। इस मंदिर को मराठा वास्तु शैली में बनाया गया है। इस मंदिर का सभा मंडप बंदिस्त है और हर दीवार पर छोटे छोटे देवकोष्ठ यानी छोटे से मंदिर बनाए गए हैं। इस मंदिर में हमें चतुर्मुख वाली भगवान शिव जी की मूर्ति दिखाई देती है। मंदिर के प्रवेश द्वार से पहले हमें राइट साइड में एक शिवलिंग और एक गरुड़ जी की मूर्ति दिखाई देती है। उसी तरफ हमें एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है जिसमें भी एक शिवलिंग है। प्रवेश द्वार के लेफ्ट साइड के ओर एक छोटा सा रास्ता है जो ऊपर पहाड़ी की तरफ जाता है। उस रास्ते से थोड़ी सी दूर चलकर हमें श्री कार्तिक स्वामी जी का मंदिर दिखाई देता है। पहाड़ी तक आने जाने के लिए यहाँ पे और एक रास्ता है। मंदिर से वापस आते वक्त मठ में भगवान के प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। अब चलते हैं बलिभद्र गुफाओं की ओर। मठ से थोड़ा आगे आने के बाद हमें एक कुंड, तीन गुफा और दो मंदिर दिखाई देते हैं जिन्हें बलिभद्र गुफा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में हमें एक ऐसा शिल्प दिखाई देता है जिसे अग्निवृक्ष कहा जाता है। इसका मुख किसी इंसान की तरह और इसका शरीर किसी बैल की तरह लगता है।
अग्नि वृक्ष के पीछे हमें तीन देवियों के शिल्प दिखाई देते जो वैष्णवी और महेश्वरी है। अब चलते हैं इस मंदिर के पीछे की गुफा। सबसे पहले गुफा में हमें जो हमारी सोच और समझ से परे इन गुफाओं से आगे जाने के बाद हमें एक छोटा सा शिव मंदिर दिखाई देता है और उस छोटे मंदिर से हम थोड़ा आगे जाने के बाद पहुंचते हैं वराह घाट। मंदिर के आगे का दीप स्तंभ टूटा हुआ है। इस मंदिर की रचना हमें ऐसा लगता है पहाड़ के ढलान की तरह बनाई गई है जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर। मंदिर के प्रवेश द्वार पे ही नंदी गृह बनाया गया है। नंदी जी के यहां से हमें अंदर आने के बाद तीन गर्भगृह दिखाई देते हैं। मध्य वाले गर्भगृह पर हमें तीन शिवलिंग और दोनों तरफ देव देवताओं की मूर्तियां दिखाई देते हैं और वहीं पर हमें चतुर्मुख प्रकार का शिवलिंग और दो जलकुंभ वाला शिवलिंग दिखाई देता है। इस जगह पर हजारों शिवलिंग है और उन हजारों शिवलिंग की हजारों अलग अलग कहानी। इन शिवलिंग को किसने बनाया इसकी ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ के स्तंभों पर शिलालेख लिखे गए हैं जो देवनागरी में है लेकिन वह भी साफ साफ नहीं दिखाई देते। मेरा यहाँ का अनुभव बहुत ही विलक्षण और अलौकिक है। इन शिवलिंग को देखकर ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह कोई बहुत बड़ा रीजन हुआ। यहाँ का माहौल थोड़ा सा डरावना लगता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पाटेश्वर मंदिर और उसका आसपास का परिसर, इसका सफर मेरे लिए काफी रोमांचित रहा।
यहाँ पर ज़्यादातर लोग बारिश में आते हैं क्योंकि बारिश में यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन दोस्तों, बारिश में इन गुफाओं में पानी जमा हो जाता है और इनमें से बहुत से बातें छुप जाती हैं। तो दोस्तों, आप भी इस जगह पर एक बार जरूर आइए और इस जगह का अनुभव लीजिए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।